सर्वप्रथम इस पुण्य नगरी के सभी विद्वजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत विनम्रता से आप सभी को प्रणाम भी करता हूँ। मंचस्थ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह जी, यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक सौरभ जी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह जी और मेरे सहकारी और मेरे छोटे भाई डॉक्टर मनोज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरा आने का कारण तो कुछ अलग था, लेकिन जब मनोज ने मुझे कहा कि आप इस कार्यक्रम में भी मुझे बात करनी है, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ लेकिन आनंद भी हुआ, क्योंकि ये थोड़ा अलग विषय है, पब्लिक में डिस्कोर्स में बहुत कम आता है। इसका शायद एक कारण होगा, क्योंकि एक 4-5 दिन पहले ही मेरा एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है कि मोर ऑफ द सेम टाइटल पे है कि इंडिया प्रोग्रेस इन लास्ट 10 ईयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये आर्टिकल लिखने के लिए लिखने का भी एक कारण था, क्योंकि आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है उनको पता है कि एक नेचर करके बहुत एक जगह प्रसिद्ध साइंटिफिक जर्नल है, तो वो नेचर में एक 30 अप्रैल के करीब एक आर्टिकल आया। अब आप सभी एक बहुत सुप्रसिद्ध नाम या कुप्रसिद्ध नाम जानते ही है, मणिशंकर अय्यर जी। तो मणिशंकर अय्यर जी की सुपुत्री यामिनी अय्यर वहाँ दिल्ली में एक थिंक टैंक चलाती है कि जो पूरा लेफ्टिस्ट और ये काम करने वाली है सीपीआर करके, तो और वो सोशल साइंस की एक्सपर्ट है, उसका साइंस को भी पढ़ा नहीं है, फिर भी उन्होंने नेचर में एक आर्टिकल लिखा कि देयर इज अ डिक्लाइन इन साइंस, इट इज डिफिकल्ट टू डू साइंस वर्क साइंस इन लास्ट 10 ईयर्स ऑफ मॉडर्न। तो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने भी 2-4 बहुत तीखे ट्वीट किए, और उसके बाद उनको ध्यान में आया कि भाई ये जो आर्टिकल है उसमें तो साइंस कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ उसने अपने मेरे इंस्टीट्यूट का फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस कैसे जब्त कर दिया वगैरह ऐसी खुद की बातें लिखी है। तो उन्होंने चेंज किया कि साइंस की जगह सोशल साइंस, ऐसा वर्ड ऑनलाइन वर्जन में आया। तो ये भी दिखाता है कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ है कि नेचर जैसे पब्लिकेशन के एडिटर्स भी वो आर्टिकल पढ़े बगैर केवल एक मोदी विरोधी आर्टिकल है इसलिए वैसे कागज छाप देते हैं, जो ऑथर है उसकी क्रेडेंशियल्स भी वो जानते नहीं, उसमें क्या लिखना है वो सचमुच साइंस के बारे में कि ये भी जानते नहीं। तो ये जब आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसका एक रिजॉइंडर देने के हिसाब से मैंने आर्टिकल लिखा, वो हिंदुस्तान टाइम्स में है, अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं कहूँगा कि आप सब लोग पढ़िए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो मुख्य आयाम है भारत जैसे देश के लिए, तीन समझ लीजिए। एक तो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है जिसको हम साइंटिफिक क्वेस्ट या क्वेश्चनिंग पावर बोलते हैं, और बच्चे से बूढ़े तक ये कभी भी जो उत्सुकता रहती है दुनिया में जो सब होता है उसका एक जिसको अंग्रेजी में इंक्विजिटिवनेस बोलते हैं, इंक्विजिटिवनेस अपना एक स्वाभाविक धर्म है अपने बुद्धि का। तो हम ये सवाल पूछते हैं उसका आंसर देने का भी आंसर ढूंढने का भी प्रयास करते हैं, और मेजॉरिटी साइंटिफिक डिस्कवरी इज बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक क्वेस्ट। ये एक भाग भारत जैसे देश में केवल इससे साइंटिफिक प्रोग्रेस होगी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत की जरूरतें बहुत ज्यादा है। इसलिए सामान्य आदमी ये पूछता है कि भाई आप इतना पैसा हजारों करोड़ रुपया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्चा हो रहा है, मुझे उसका क्या फायदा। और तीसरा ये जो और इतना इम्पोर्टेंट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी आज नेशनल सिक्योरिटी से राष्ट्रीय सुरक्षा से पूर्णतः जुड़ी हुई है, और ये कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो किसी भी देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करते समय ये तीन बातें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मेरे पहले सभी वक्ताओं ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया, और वो सच है कि उपनिषदों में जो कई सारे संवाद है वो
तो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है, संवाद शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, गुरु उसका उत्तर दे रहा है। भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्य करके कुछ सवाल पूछता है, भगवान उसको उत्तर देते हैं। और ये इंक्विजिटिवनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इंक्विजिटिवनेस उस समय से आया है। और जो गुरु है तो जो लर्नेड पीपल वो उसका समाधान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाधान मानना जा तो दूसरा सवाल पूछते हैं। उपनिषदों में तो एक प्रश्नोपनिषद भी है जिसमें सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है। तो ये एक जिज्ञासा की एक बहुत बड़ी परंपरा अपने देश में पहली बन रही है। आदि शंकराचार्य का बहुत एक फेमस वाक्य है, उन्होंने कहा है कि अगर वेदों ने भी लिखा है कि अग्नि ठंडा है तो वो मानूंगा नहीं जब तक उसका प्रमाण नहीं है। तो ये भी उनकी इतना सारा वेद वाक्यों प्रमाणों देने वाले आदि शंकराचार्य भी जब वास्तविकता की बात करते हैं तो वो बोलते हैं जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलता तब तक मैं ये बात मानूंगा, और एक प्रमाण अगेन साइंटिफिक बेस। परंतु जैसा कहा गया, मैं विस्तार में उस विषय में जाऊंगा नहीं, उस अपने जिज्ञासा प्रवृत्ति का कई कारणों से स्खलन हुआ और उसका ही परिणाम हुआ कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अधोगति हुई। आप अगर नालंदा में जाइए, मैं एक साल पहले गया था, तो पुरानी नालंदा में ये आयरन बिल्डिंग का वो अभी भी अवशेष बाकी है कि जो आयरन पिलर की बात की गई, तो मेटलर्जी में हम इतना आगे थे और नालंदा में उसकी प्रयोगशाला उसके अवशेष आज भी बाकी है, आप जब जाएंगे तो जरूर देखिएगा। तो स्वतंत्रता के बाद हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई उसमें भी केवल हम रटे और परीक्षा में वो जो रटा हुआ है वो लिखे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसके कारण भी कई मात्रा में अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति का स्खलन हुआ, और उसके कारण भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई। मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि 60 साल में तो हुई नहीं कुछ प्रगति, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो भारतीय लोगों के लिए होनी चाहिए थी, जो भारत को फोकस करने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं हुई। कि जो वेस्ट में हो रहा है उसको ही हम कॉपी करें तो अच्छा रहेगा, एक उसका एक एक्सेप्शन था अपना कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में बहुत सारी प्रगति हुई, हरित क्रांति हुई, ये सब बातें आगे हम सोचेंगे। फर्क ये हुआ पिछले 10 साल में कि ये सवाल तीनों पूछे गए कि ठीक है आपके पास साइंटिफिक बेस्ट है तो ठीक है, परंतु ये जो भारत इन्वेस्ट कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उसका सामान्य मानवी को क्या फायदा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ये दिखाना चाहिए। और दूसरी बात कि जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कई टेक्नोलॉजी आज हमें आवश्यक है और वो टेक्नोलॉजी आज दुनिया उनको देने के लिए तैयार नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हम खुद कैसी एक्सेस करें, कैसी डेवलप करें। और पिछले 10 साल में ये दोनों विषयों पे भारत ने बहुत आगे प्रगति की है। तो मैं उसके कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मैंने मेरे आर्टिकल में भी लिखे हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं वो कुछ ज्यादा होता है, यानी आज आपने बैंक में डिपॉजिट किया, दूसरे से आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 5-10 साल मैं जिसमें एक काम करता था अर्बन डिस्कवरी में, तो 10-12 साल लगते थे उसका एक्चुअली इफेक्ट देखने के लिए। परंतु उसमें इन्वेस्ट करना, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, तो उसका एक एग्जांपल देना है तो 11-12 में इंडियन साइंस का इन्वेस्टमेंट था सरकार की तरफ से 600 बिलियन रुपीज, जो अभी पिछले साल 1.2 ट्रिलियन हुआ है, 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया इन्वेस्टमेंट। तो इतना सारा इतनी सारी पूंजी सरकार ने वैज्ञानिकों को तज्ञों को अवेलेबल करवा दी। आप सभी ने CSIR का नाम सुना होगा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत की एक सबसे बड़ी प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का एक क्लस्टर है, और उसके करीब 22-23 या शायद ज्यादा ही होंगे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया है। लखनऊ में भी उसके दो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट लखनऊ में हुई थी सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR।
तो सीएसआर का एक्सपेंडिचर ऑल्सो 32 बिलियन रुपीज से लेकर 13-14 की मैं बात कर रहा हूँ 67 बिलियन यानी डबल से भी ज्यादा 21-22 में। दूसरी जो बात थी कि एक उसका इंपैक्ट क्या हुआ, तो जनरली जो साइंटिस्ट है उनको पता है कि हम कितने पेपर्स पब्लिश करते हैं, अपना पब्लिकेशन रिकॉर्ड कैसा है, ये एक मापदंड है उसका। परंतु वो मापदंड एक है लेकिन वो पूर्ण नहीं है। इसका कारण ऐसे है कि आजकल बहुत सारे निम्न दर्जा के पेपर्स भी पब्लिश किए जाते हैं, इसलिए हर एक जर्नल का एक स्कोर होता है। और यानी कम स्कोर वाले 10 जर्नल में आप 10 पेपर पब्लिश करें, या एक बड़े जैसे नेचर वाले किसी जर्नल में आप एक पेपर पब्लिश करेंगे तो वो एक पेपर का वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसलिए क्वालिटी बढ़ी क्या साइंटिफिक, तो हाँ ये बराबर है। जो 10 साल पहले हम भारत में 10वीं 11वीं नंबर पे थे टोटल साइंटिफिक आउटपुट और उसके 82 पैरामीटर्स पे उन्होंने इवेल्युएट किया है, तो आज हम 30वें नंबर, चाइना और यूएस हमसे आगे। तो जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसमें हम बहुत आगे चले गए हैं 30वें नंबर पे। और लेकिन ये भी मानने की आवश्यकता है कि अभी भी चाइना और यूएस उनसे बहुत आगे। फिर दूसरा एक क्राइटेरिया होता है कि एक तो साइंटिफिक पब्लिश करते हैं साइंटिस्ट, या तो पेटेंट लिखते हैं। और पेटेंट कहने ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी जो मैं ये जो संशोधन है ये जो अनुसंधान है ये मेरा है, ये हम क्लेम करते हैं दुनिया के सामने। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये मेरा है इस पर एक मोहर लग जाती है, और दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता जब तक वो आपकी परमिशन नहीं ले सकते। तो ये पेटेंट के मामले में भी हमने बहुत बड़ी प्रगति की है। हमने 2022 में 2021 के हिसाब से 2022 में 22% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेटेंट, अभी 7th है हम पेटेंट फाइलिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको याद ये देख के ताजुब होगा, कोरिया जैसा देश शायद नंबर 1 पे है, छोटा देश है परंतु इनोवेशन इतना उनका अच्छा है। परंतु हमने ये और एक माइलस्टोन पिछले वर्ष अभी ये वर्ष में प्राप्त किया कि एक साल में इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है उन्होंने 1,00,000 पेटेंट यानी मार्च 23 से लेकर मार्च 24 तक 1,00,000 पेटेंट्स इशू किए। ये भी एक बहुत रिकॉर्ड है, क्योंकि पेटेंट ऑफिस में पहले एकदम ऐसा सरकारी जैसे ब्यूरोक्रेसी रहती है चलता था, 5-5, 6-6 साल पेटेंट इवेल्युएशन के लिए जाते थे। लेकिन ये पूरी यंत्रणा को बहुत ही एफिशिएंट बनाकर और एक अच्छे व्यक्ति को कॉर्पोरेट से लेकर उसको पेटेंट ऑफिस में ले जाना और उसके कारण पूरी पेटेंट व्यवस्था को बदलकर आज इंडियन पेटेंट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर ये मैं बहुत सारा स्टैटिस्टिक दे सकता हूँ, परंतु प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई सारे सिस्टमिक चेंजेस भी किए, और वो सिस्टमिक चेंजेस के कोई बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। एक तो जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में जानते हैं, जैसा मैंने सीएसआर के बारे में कहा, एक गवर्निंग बॉडी है सीएसआर की और उसके अंदर 30-32 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी जो एक स्ट्रीम है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा हो गया था कि कई सारे इंस्टीट्यूट बनाई गई, 13 इंस्टीट्यूट बनाई गई, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाए गए। तो 13 इंस्टीट्यूट की 13 गवर्निंग बॉडीज थी और इसलिए एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। हर एक को लगता था कि हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें, और इसके कारण बहुत सारा रिपीटेशन भी होता। तो एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल ये 13 इंस्टीट्यूट की जो 13 बॉडीज थी वो डिसॉल्व कर दी और एक बॉडी स्थापित की, उसका नाम भी रखा DRIC,
बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, और एक प्राइवेट सेक्टर वाले एक व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जनरल कोई सेक्रेटरी या गवर्नमेंट का साइंटिस्ट भी बनता है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हु इज वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी आईटी में, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ परसिस्टेंट सिस्टम था अपने नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर की, उसके जो चेयरमैन है वो अभी ब्रिक के चेयरमैन है, और ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया। फिर आपने शायद सुना होगा 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया कि जो पूरी आज जो हम स्टार्टअप की बात करते हैं, इतने सारे स्टार्टअप हुए अभी भारत में ये साल, रजिस्टर्ड स्टार्टअप है 1,25,000, जो 2014 में 10,000 गिने थे, तो 10 गुना 15 गुना ज्यादा स्टार्टअप आए हैं। तो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया की जब घोषणा की, तो उसकी एक बहुत ही क्रांतिकारी पॉलिसी बनाई कि जिसके कारण स्टार्टअप बनाना, तो स्टार्टअप में ऐसा होता है कि कई सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, और इंडिया में कंपनी शुरू करना आसान है, कंपनी बंद करना सबसे कठिन है, परंतु स्टार्टअप में फेल हुई तो वो बंद कैसे की जाए, उसके भी आसान तरीके बनाए, उसके फंडिंग का कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसा होगा, उसके ऊपर टैक्सेस कैसे होंगे, इसके बहुत सारे नियम और सरलीकरण प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा ऐसे हुआ कि आज इंडिया में स्टार्टअप कल्चर की जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे नौजवान नौकरी ढूंढने ना जाए, जॉब क्रिएटर हो, जॉब सीकर्स ना हो, तो इसका एक सचमुच उदाहरण ये स्टार्टअप रिवॉल्यूशन जो भारत में हुई है, और उसमें से ही ओला निकले, उसमें से ही पहले फ्लिपकार्ट तो भी एक्वायर हुआ, लेकिन फ्लिपकार्ट निकले, और कई सारे जिसको बिलियनियर स्टार्टअप हुए हैं वो उसी के कारण है। और उसमें एक उन्होंने और एक काम किया, छोटा सा लगता होगा आपको, कि अगर भारत में कुछ अनुसंधान हुआ है और किसी भारतीय ने उसका पेटेंट लिया, और वो पेटेंट अगर हम खरीदते हैं, तो पहले क्या होता था कि जैसे ही खरीदते हैं तो कोई कंपनी खरीद ली, तो उसने वो पेटेंट खरीद लिया, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसके ऊपर मेरे पास कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने बनाई, मैंने उसके लिए 5 करोड़ खर्चा किया, वो 5 करोड़ के लिए तो गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करेगा, परंतु अगर मैंने वो टेक्नोलॉजी किसी को बेची और मुझे 10 करोड़ मिले, तो मुझे तुरंत 35% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता, 10 करोड़ से 3.5 करोड़ पहले 3 दिन में गए। तो ये सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि अगर भारत में बनाई हुई कोई टेक्नोलॉजी अगर इंटैश कोई होता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स केवल 10% 35% के, उसके कारण भी बहुत सारा इनोवेशन कैपिटलाइजेशन होना ठीक हुआ। एक मैं उसका और एक यूनिक इनिशिएटिव बताता हूँ, जो है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक बार यहाँ बात की थी। अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के इनोवेशन पूरी इकोसिस्टम को बहुत तरह से बदला। उन्होंने शुरुआत में अटल इनोवेशन मिशन के बोर्ड में मैं भी हूँ, इसलिए मैं बहुत थोड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि स्कूल में कई सारे ऐसी आज पब्लिक स्कूल्स है, स्पेशली टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में और देहातों में, कि जहाँ साइंस की लेबोरेटरी नहीं है, वहाँ हाथ साइंस को जिसको हाथ मलना बोलते हैं, वेटिंग द हैंड्स वेटिंग द फिंगर्स, ऐसा होता ही नहीं है। तो उस जगह तो अटल इनोवेशन मिशन ने टिंकरिंग लैब्स करके एक कंसेप्ट लाया, तो उन्होंने कहा कि हमको एक सिर्फ एक खाली रूम दे दीजिए, और उस रूम में रोबोटिक किट, 3D प्रिंटर, ऐसे अत्याधुनिक मशीनरी या किट्स ये अटल इनोवेशन मिशन वहां देती है, और वहां ट्रेनिंग के लिए किसी व्यक्ति को भी तैयार करती है कि 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी वहां जाके ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स की, 3D प्रिंटिंग की, वो खुद सीख सके, खुद अपने हाथ से कुछ काम कर सके, तो उसमें क्या हो सकता है, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करे। तो ये पिछले 8-9 साल में 10,000 ऐसी टिंकरिंग लैब्स
ऑल ओवर इंडिया बनी है और उसके कारण करीब करीब 3.5 करोड़ बच्चों को उसका फायदा हुआ है। फिर अटल इनोवेशन मिशन ने कई सारे स्टार्टअप भी फंडिंग किए हैं, कई सारे इंक्यूबेटर्स भी फंडिंग किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की भी एक अलग फंडिंग व्यवस्था है कि जो अलग अलग इनोवेशन पे काम करती है, और उन्होंने करीब करीब 800 स्टार्टअप्स नहीं, उनके द्वारा ये आए हुए 800 प्रोडक्ट्स आज मार्केट में आए हैं। तो ये भी एक दिखाता है कि हमने कितना सारा जो साइंस का पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसकी यूटिलिटी कैसी समाज को दी है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, मेरा दो आखिरी बिंदु है वो कहके मैं मेरा निवेदन समाप्त करूंगा। पहला मैंने कहा कि भारत के सामान्य व्यक्ति को जैसा क्या फायदा, इतना सारा मैंने नंबर बताया, इतने करोड़ खर्चा हुए, उसका मैं एक ही, आपने चंद्रयान का एग्जाम्पल सुना होगा, मैं उसके दो एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी के पास मोबाइल फोन होगा, आप सभी के पास 5G कनेक्शन होगा, आपको शायद ये पता नहीं होगा उसके पहले 4G था, 3G था, 2G था, 2G, 3G, 4G ये सब चाइनीज टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, आपको शायद ये पता नहीं होगा। और उसके जो इक्विपमेंट थे, जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए इंडियन कंपनी ने, एयरटेल ने और सभी ने जो लाए हुए बड़ा कम लाए, वो 100% चाइनीज थे, 100% हुआवे के या किसी और के। जब 5G का इंप्लीमेंटेशन का आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप होनी चाहिए, जिसके कारण हम चाइनीज इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहे। एक्चुअली शुरुआत में चाइना से बहुत प्रेशर था कि हमारी टेक्नोलॉजी आप यूज करो, हम बहुत सस्ते में आपको देने के लिए तैयार, क्योंकि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूरोपियन और अमेरिकन के पास थी वो तो बहुत महंगी थी। परंतु ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया गया और सभी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस इकट्ठा है, जिसका नेतृत्व आपके प्रांत में जो IIT कानपुर है, वहां के डायरेक्टर ने किया और पूरी एक बहुत बड़ी टीम बना के कंप्लीट 5G टेक्नोलॉजी नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज डेवलप्ड इन इंडिया एंड इक्विपमेंट्स आर आल्सो डेवलप्ड इन, और वो रिकॉर्ड समय में बनाई गई। आपको पता है कि 4G के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए 3-4 साल लगे, पूरी 5G टेक्नोलॉजी विद इन 8-10 मंथ्स पूरे भारत भर में लोगों को अवेलेबल हुई, अफोर्डेबल हुई। इसका एक कारण यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में बनी। दूसरा जो उदाहरण मैं दूंगा वो कोविड वैक्सीन का है। तो ये कोविड वैक्सीन ने आपने वैक्सीन स्टोरी, वैक्सीन वॉर ये सब मूवी देखे होंगे, उसमें भी एक छोटा सा पिक्चर आता है, तो मैं भी उस फील्ड में हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी जानकारी है। दोस्तों आज अगर भारत वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं बनाता तो हमको अमेरिका से वैक्सीन देना पड़ता था, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट थी $30 पर डोज, ₹2400 पर डोज का, और उसके मिनिमम 3 डोज या 4 डोज लेने पड़ रहे लोगों को। तो इट वुड हैव बीन टोटली इम्पॉसिबल टू वैक्सीनेट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट जो भारत में वैक्सीन हुई उसके कारण आज ₹150 में वैक्सीन मिली। हम सबने तो मेजोरिटी फ्री में मिली होगी, लेकिन जिन्होंने पे की उनको भी ₹150-250 देना पड़ा। तो ये एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ऐसा मैं मानता हूँ, और ये केवल भारत के लिए नहीं, हम जो आज विश्व बंधु भारत सहयोग प्रमुख में बात करते हैं तो हमने करीब करीब 80 देशों को ये वैक्सीन सप्लाई किया, और वो भी बहुत ही ऐसे नॉमिनल प्राइस में किया, कुछ लोगों को ग्रांट भी दी। अगर आज भारत के पास वैक्सीन नहीं होता, भारत के पास बिलियंस ऑफ डोजेस मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं होती तो दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी वैक्सीन से मुक्त होती और वो कोविड के शिकार बनते। तो दुनिया को बचाने के लिए भी भारत का एक बहुत बड़ा सहयोग है, परंतु ये कोई एक दिन में हुआ नहीं। इसके लिए जैसे आपको पता होगा ये दो कंपनीज थी, भारत बायोटेक की हैदराबाद की और पुणे की आधार पुणे वाला की सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट को तो टेक्नोलॉजी
ऑक्सफोर्ड से मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंस्टीट्यूट ने किया, वो भी बहुत बड़ी बात है, परंतु उनको बेसिक टेक्नोलॉजी इंग्लैंड से मिली है। कोवैक्सिन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी भारत में हुई है, जो वैक्सीन वॉर में भी जो दिखाया है। तो भारत बायोटेक के पास टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक्सपर्टीज था, ऐसा नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और भारत इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में ग्रांट दी है, दोनों ने ग्रांट दी है प्राइवेट कंपनी को, तभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। और कई सारी जगह उनको भी टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो कई सारी CSIR लैब्स ने उनके साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये जो कोवैक्सिन प्रोडक्ट है, ये केवल एक प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्ट है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। ये वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये भी हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया। और आज भारत ऐसी एक ही कंट्री है कि जिन्होंने 6 वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स खड़े किए हैं, 6। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अमेरिका में जो सबसे पॉपुलर वैक्सीन था फाइजर का, उसकी जो टेक्नोलॉजी का नाम था mRNA वैक्सीन, तो वो उन्होंने भारत को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है, जब उन्होंने इंपोर्ट, भारत ने उनको पूछा कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम आपको इंपोर्ट तो करेंगे, कॉस्ट तो एक बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इससे कोई भी साइड इफेक्ट होता है, कोई आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई आदमी मर जाता है, तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये जिम्मेदारी आप लेंगे, हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं कर पाएगा। ऐसी उनकी कंडीशन थी, जिसको लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं, नॉट डिस्क्लेमर, तो मेरे ध्यान में नहीं आ रही, तो ऐसा उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था। भारत सरकार ने कहा कि हम ऐसा प्रोटेक्शन आपको नहीं देंगे, अगर आपका प्रोडक्ट फेल होता है, आपके प्रोडक्ट से कुछ होता है, तो आप उसके लिए लायबल हो। और इस वजह से उन्होंने भारत को इंपोर्ट करने से मना कर दिए, एक्सपोर्ट करने से मना कर दिए, और भारत ने कैरल लिए दो वैक्सीन बनाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हम सब कुछ साइंस के टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ नई जनरेशन घर में होगी, कि जो भी साइंस के लिए काम कर रही है, तो ये सबको ये बातें बताने की जरूरत है। दूसरी बात ऐसी है कि जब तक अच्छा साइंस नहीं होता है, तब तक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, तो इसलिए बेसिक साइंस के लिए भी इन्वेस्ट करना ये बहुत जरूरी है। और कभी कभी साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में जो झगड़ा होता है, वो भी ठीक नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हमने बहुत सब कुछ कर लिया है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। स्टेम की बात की, तो स्टेम अभी भी हमारे देश में स्टेम ये स्टेम इज अ सेकंड ऑप्शन, उसमें भी स्पेशली साइंस एंड मैथमेटिक्स, लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जाना चाहते हैं, उसमें महिलाओं का जो सहभाग है वो बहुत कम है, 20% से ज़्यादा महिलाएं हैं स्टेम में, कि जो बाहर के देशों में स्पेशली अमेरिका में 40% 42% है, तो उसमें ये बहुत इम्बैलेंस है, उसको हमको बैलेंस आउट करना है। और तीसरी जो बात है कि अभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सामान्य मानवी के मन में बहुत अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों द्वारा भी उसमें अवेयरनेस होगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये जो 10 साल में हमने अचीव किया है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे काम आगे के 5-7 में 10 साल में होंगे। ये सब कहकर मैं नरेंद्र वाणी को